जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भैया, आपको यहाँ पे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली दिखाने वाला हूँ। एक मिनी ब्लॉग टाइप का आपका होने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में रिव्यू करेंगे, हॉस्टल कैसा है, अंदर से भी आपको क्लासेस वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको नेक्स्ट यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका टीकमगढ़ में, उसका भी ब्लॉग देखने को मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखी है, तो जाके वहाँ पे फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, पूछ सकते हो। बाकी रेहली कॉलेज के बारे में बात करने वाले, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज किया था, ठीक है, कि क्या बनाऊँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पॉजिटिव रिव्यू दिया था कि हाँ भैया बिल्कुल बनाओ। तो ये आपका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली, अभी अंदर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। छोटा सा ही ब्लॉग होने वाला है, तो स्किप मत करना, डिटेल में देखते हुए चलना, ठीक है। चलो तो आपको अंदर दिखाता हूँ मैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली आपका। क्या आप देख सकते हो, अंदर से कुछ इस टाइप से आपका कॉलेज दिखता है, ठीक है। अभी क्लासेस वगैरह भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ से देख लो अंदर से। ये सामने आपका, ये इधर फील्ड है, फील्ड भी आपको दिखाऊंगा, हॉस्टल भी इधर भी है, तो हॉस्टल आपको दिखाऊंगा। और ये आपका सामने का फ्रंट का अभी बना हुआ है, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। बाकी अंदर से आपको भी क्लासेस वगैरह दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। ये कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली की आपकी क्लासेस हैं। यहाँ पे आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी की क्लासेस इसी में लगती है। और भी आपका एक ऊपर भी रूम है, और यहाँ साइड में आपके ऑफिस है, वो भी अभी दिखाऊंगा। लेकिन क्लास आप देख सकते हो, ठीक है, क्लास आपकी ठीक, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको बताऊंगा मैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली के बारे में, क्योंकि जो कॉलेज है आपका ये रेहली में नहीं है, ठीक है। प्रॉपर आपको एड्रेस दिखाऊंगा, आसपास का माहौल भी दिखाऊंगा, हॉस्टल दिखाऊंगा, तो वेट करते हुए देखते जाओ, इसके बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं हॉस्टल के बाद। तो देख सकते हो ये आपका हॉस्टल है, ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली का, जो कि अभी फिलहाल में बंद है, ठीक है। आप देख सकते हो बंद है ये आपका हॉस्टल, और अधिकतर स्टूडेंट्स आपके जो है बाहर ही रहते हैं, ठीक। गर्ल्स हॉस्टल आपका उधर है, अभी भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इजाज़त तो नहीं है गर्ल्स हॉस्टल दिखाने का, आपको दूर से दिखा दूंगा गर्ल्स हॉस्टल। बाकी देखो यहाँ पे एक बेनिफिट्स आपको बताता हूँ, ये फील्ड है, सबसे पहले देख लो आप कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली की आपको फील्ड है, पूरी सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देख लो, आप लोगों ने कुछ दिमाग में ऐसा सोच रखा होगा कि बहुत सारी औषधि, बहुत सारे अगर हॉर्टिकल्चर कॉलेज है तो बहुत सारे फ्लावर वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप देख लो फील्ड है, फील्ड तो बहुत है, ठीक है। बाकी कुछ बेनिफिट्स आपको बताऊँ मैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली का, तो देखो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। कौन से बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला बेनिफिट्स आपके लिए ये है कि यहाँ पे प्रॉपर टाइम मिलता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को, किसके लिए, स्टडी के लिए। कॉलेज से इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, जितना अदर कॉलेजेस में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स पर यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता है कि आप कॉलेज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि ये करो वो करो, नॉर्मल सा बिल्कुल होता है, आपको एग्ज़ाम वगैरह देना होता है, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर इतना ज़्यादा अदर कॉलेज के कंपैरिजन में नहीं होता है, तो आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ पे बहुत टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप रूम लेके कहीं भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी हॉस्टल आपने देख लिया है, यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं जो आपका ये कॉलेज है, ये आपका एक सुख उद्यान के अनुसंधान केंद्र है, उसमें ये कॉलेज अभी लगा चल रहा है आपका, ठीक है। लेकिन जो है रेहली में इसके लिए पैसा वगैरह आपका स्वीकृत हो चुका है, मे बी 114 करोड़ के आसपास कुछ इतना फंड है जो कि स्वीकृत हो चुका है। तो जल्दी कॉलेज आपका बन रहा है, वहाँ पे काम लगा हुआ है, तो मे बी 2-3 सालों में कॉलेज आपका बन के 4 सालों में रेडी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लो अभी फिलहाल में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली कैसा है, आप लोगों ने बहुत डिमांड की थी, और देखो सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव तरीके से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव है। सबसे बड़ा बेनिफिट्स मेरे अकॉर्डिंग कि ये है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, खुद से ही सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कॉलेज की तरफ से, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। बाकी आप फील्ड देख लो, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखो आपको यहाँ पे कॉलेज की अगर बताऊँ मैं एड्रेस की, तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये रहता है कि कॉलेज आपका हॉर्टिकल्चर रेहली में होगा, तो कॉलेज फिलहाल आपका रेहली में नहीं है। ये जो आपका कॉलेज है गड़ाकोटा में पड़ता है, ठीक है, आप सागर से 60-70 किलोमीटर आओगे, गड़ाकोटा में आपका ये कॉलेज है, ठीक है। गड़ाकोटा से आपको 5 किलोमीटर आना पड़ेगा, टैक्सी या बस से आप आ सकते हो। अभी आपको दिखाऊंगा आसपास का एनवायरनमेंट भी, ठीक है, गड़ाकोटा भी दिखाऊंगा आपको, बाकी आप देख लो, ठीक है। फिलहाल में और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं, क्योंकि परमिशन तो नहीं है, परमिशन नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ दिखाने की, बट फिर भी आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, एक लाइक जरूर कर दो। गर्ल्स हॉस्टल दिखा देते हैं दूर से ही, ठीक है, क्योंकि परमिशन नहीं होती है। तो गर्ल्स हॉस्टल आपका वो रहा सामने, अगर आपको दिख रहा होगा, उधर गर्ल्स हॉस्टल है, इधर बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक। गर्ल्स में, गर्ल्स को तो मे बी हॉस्टल में ही रहना पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी का ही वहीं पे है, और आपकी पॉली हाउस वगैरह भी है वहाँ पे, बट मैं विजिट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि परमिशन नहीं होती है। तो बाकी आप देख लो यहाँ पे ये कॉलेज है आपका पूरा, ये फील्ड है, आपको आसपास का दिखा देता हूँ जितना, देखो इतना बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलेज नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छा है, और चीज़ें इम्प्रूवमेंट होंगी इस टाइम के साथ साथ, आपको पता है, ठीक है। नेगेटिव देखने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव के लिए,
तो ये देख गर्ल्स हॉस्टल आपने देख लिया है, अब आपको यहाँ पे और भी चीज़ दिखाता हूँ। सामने गेट है आपका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रैली का, बाकी आपको दिखाते हैं ठीक है। सामने से आप देखोगे कॉलेज तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा ठीक है। ये पूरी आपकी बाउंड्री है, सामने फील्ड है और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज को ठीक है। सामने से आप देख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप सभी को दिखा दिया है ठीक है। बाकी आप देखो ये कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रैली था आपका, जो इम्पोर्टेंट था वो सब कुछ मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। बाकी ये मेन रोड है, इधर रैली जाते हैं और इधर गड़ाकोटा के लिए है ठीक है। तो आप नॉर्मली यहाँ पे है चेकिंग जिसको बोलते हैं ना वो करके जा सकते हो, और अभी आपको दिखाऊंगा ठीक है। किसी भी वाहन पर आप है चेकिंग करके कोई भी बिठा लेता है नॉर्मल सा, तो आप पास में ही गड़ाकोटा पड़ता है, ये भी 3-4 किलोमीटर होगा ठीक है। तो यहाँ पे कृषि मंडी भी आपकी पड़ती है आगे, और एकदम नॉर्मली आपका गांव जैसा माहौल है ठीक है। विलेज जैसा अपना गांव का माहौल होता है वैसा ही माहौल है। अभी आपके जो है चेकिंग करके चलते हैं, किसी का वाहन जो है पकड़ के चलते हैं। फिलहाल में आप ठीक है, यहाँ से आप गड़ाकोटा जा सकते हो आगे। बाकी मैंने आपको यहाँ पे है चेकिंग का मतलब तो बता दिया है ठीक है। आप बाकी ये देख लो आप गड़ाकोटा के अंदर घुसते ही नई खूबसूरती ठीक है, तालाब नदी कुछ भी बोल दो आप देख सकते हो ठीक है। देखो इस ब्लॉग में ऑलमोस्ट मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए भी बहुत सारा टाइम होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। टाइम मतलब अदर कॉलेजेस में अगर आप कंपैरिजन करोगे RBS के भी या आपके टीकमगढ़ वगैरह इनसे कंपैरिजन करोगे तो उतना प्रेशर नहीं होता है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रैली में जितना अदर कैंपस में प्रेशर होता है ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस का सबसे इंपॉर्टेंट, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं होता है, तो रिलैक्स एकदम रिलैक्स होता है ठीक है। तो आपकी बहुत सारा टाइम आपको मिल जाता है आपकी जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए, जैसे आपकी JRF हो गया है ना, JRF PG की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, JNKB भी, RBS के भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, बहुत सारे PG के लिए तैयारी करते हैं ठीक है। और बहुत सारी जॉब्स हैं आपकी, जैसे AFO हो गया, REHU हो गया, REO हो गया और FCI हो गया, FCO, ऐसे बहुत सारी जो आपकी जॉब्स हैं उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत टाइम मिलता है आपको। तो ये कुछ एडवांटेज है, अगर आपका लगता है कि नहीं मेरे को जॉब्स वगैरह के लिए ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग से आप सब्सक्रिप्शन लेके प्रिपरेशन कर सकते हो ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। देखो रैली ऑफ हॉर्टिकल्चर कॉलेज ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें, देखो डिसएडवांटेज भी है, बहुत सारा एडवांटेज भी है। अभी आपको बता दूं एक एडवांटेज में कि एक गर्ल्स थी रैली ऑफ हॉर्टिकल्चर में, अभी फिलहाल मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। उस गर्ल्स ने अभी लेटेस्ट जो आपका JNKB भी RBS के भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था PG के लिए, उसने टॉप किया है ठीक है। आपने लिस्ट देखोगे टॉप किया उस गर्ल्स ने, और इसके साथ साथ उसका JRF में भी सिलेक्शन हुआ, उसको पंतनगर मिला हुआ है फूड साइंस में आपका, वो अभी MSc कर रही है। और यहाँ पे आपका एक स्टूडेंट्स भी जो कि 4th ईयर BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट करके अभी IRA न्यू दिल्ली में आपके पोस्ट हार्वेस्टिंग में PG कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो यहाँ पे एडवांटेज है, ऐसा नहीं है ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कर क्या रहे हैं। और ऐसे कॉलेज देखो आप देखने जाओगे तो आपको बता दूं कहीं भी इतना ज़्यादा वो है नहीं कि क्लासेस आप टीकमगढ़ चले जाओ, रीवा चले जाओ, क्लासेस इतनी ज़्यादा नहीं लगती है ठीक है। कॉलेजेस का मतलब आपको पता है कॉलेज क्या होता है, तो आप सोच रहे हो कि बहुत 10th 12th में मेरे को पढ़ाया जाता था, प्रॉपर नोट्स बनाया जाता था, वैसा कुछ कहीं भी नहीं होता है ठीक है। ये कॉलेज है, आपको पता है सारी चीज़ें, आप लोग समझदार हो। बाकी ब्लॉग कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में ठीक है।